नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल प्रभात पट्टन में मुलताई को जिला बनाने की मुहिम छेड़ी। शहीदों की नगरी प्रभात पट्टन में बीते दिन शनिवार मुलताई को जिला बनाने की मुहिम छेड़ी गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा साथी बुजुर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुलताई क्षेत्र वासियों का ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री जी ने पांडुर्णा को जिला घोषित कर दिया तो हमारा मुलताई क्षेत्र पांडुर्णा से बड़ा है और हम मुख्यमंत्री जी से यह मान करते हैं कि मुलताई को भी जिला बनाया जाए, जिसमें गरीब किसान भाइयों को और सभी क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिले। यह मुहिम चलाने के लिए मुलताई से भी काफी संख्या में नौजवान एकत्रित हुए और उन सभी की मांग रही है कि मुलताई को जिला बनाया जाए और प्रभात पट्टन के नौजवान साथियों और बुजुर्ग भी यही चाहते हैं कि मुलताई को जिला बनाया जाए। और प्रभात पट्टन में नौजवान साथियों ने ये भी मांग रखी है कि प्रभात पट्टन में जल्द से जल्द थाना बनना चाहिए, क्योंकि 65 पंचायतों का ब्लॉक प्रभात पट्टन है और यहां पर अभी तक की थाना नहीं बना है। मांग को लेकर भोजराज रावत कर, भानु ठाकुर, देवेश देशमुख, प्रण्य पटेल, शुभम शिवहरे, रोबिन सिंह परिहार, रवि देशमुख यह मांग को लेकर मौजूद रहे। संवाददाता एजाज अंसारी की रिपोर्ट। भूमि है, इस जगह पर उपस्थित हुए हैं और हम हमारे इस पट्टन के सभी भाइयों का सहयोग लेने आए हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ विगत कई वर्षों से जीवन जी रहे हैं। तो माँ ताप्ती का सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग पट्टन में आकर जिला बनाने के लिए इस मुहिम में सभी का समर्थन चाहते हैं और हम बड़े आनंदित है कि सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम निश्चित तौर पर इस मुलताई को जिला बनाकर रहेंगे और हमारे क्षेत्र को नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी पांडुर्णा को जिला घोषित किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी मुलताई की जिला बनाओ की मांग बहुत पुरानी है जी। वहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम लोगों को उसमें कोई समस्या नहीं है अगर पांडुर्णा जिला बना, लेकिन हमारा पूरा क्षेत्र पांडुर्णा से बड़ा आएगा 178 के आसपास। तो क्या सर, हमारा मुलताई जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पांडुर्णा को जिला बना, इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी हमारे मुलताई को भी जिला बनाएंगे? हमको पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास भी है और निश्चित तौर पे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी से हमने डिमांड भी की है, मांग भी की है। और मुझे याद तक यहाँ दे 2013 में आपके इसी धरती पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके गए थे कि अगर उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो मुलताई जिला बनेगा। तो अब वो समय आ गया है कि इस वर्ष चुनाव के पहले शिवराज सिंह जी घोषणा करें और मुलताई को जिला बनाए और उसका अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा मुलताई अगर जिला बनता है तो इसमें सभी क्षेत्रवासियों को काफी लाभ होगा। कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों के कारण बैतूल का काम रहता है, उनका नहीं जा पाते है। देखिए भाई साहब, मैं तो केवल इतनी सी बात जानता हूँ कि आप खुद अनुभव कर रहे हैं, जब से पट्टन तहसील बनी है तो आपके लोकल में सब काम होने लगे, पट्टन का धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होते जा रहा है, लेकिन फंड की कमी के कारण वो विकास हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जब जिला बन जाएगा तो जिले के साथ बहुत बड़ी फंडिंग, आपके 37 नए विभाग आएंगे और हर चीज जिले की मुलताई से जुड़ेगी, तो पट्टन को ही फायदा होना है, क्योंकि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पे आज पट्टन है, तो बहुत दूर नहीं है। सर, पट्टन में अभी भी काफी कमियां है, जैसे यहाँ पे पुलिस चौकी है जी, हमारे क्षेत्र के हिसाब से 65 पंचायतों का ब्लॉक है हमारा पट्टन, तो सर इस हिसाब से यहाँ पट्टन में सबसे बड़ी बात आपके आज बहुत बड़ा अस्पताल बनेगा, बहुत पट्टन को थाना बनाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? थाना बनाया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? थाना बनाया जाए तो सारी सुविधा मिलेंगी जी। सर, तो निश्चित तौर पे पट्टन में उतनी ही समस्याएं हैं जितनी की मुलताई में है और उसका हल एकमात्र है जिसमें जिला बने। जिला बनेगा, कलेक्टर एसपी जब मुलताई में बैठेंगे तो निश्चित तौर पे एसडीएम आपके यहाँ पर आके पट्टन में बैठेगा और जब एसडीएम बैठेगा तो आपको मालूम है कि सब होगा। तो उसके लिए कोई विषय नहीं है। शहीदों की भूमि करे पुकार, मुलतापी जिला बने। अब की बात, भारत माता की जय। चलिए।